दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव इस समय पूरे शबाब पर है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम प्रत्याशी, अगर उनके पास कोई काम इस समय है तो केवल एक की मतदाताओं को लुभाया कैसे जाए, वोटर्स को कैसे साधा जाए ताकि उनकी चुनावी किश्ती जो है वो पार उतर जाए। चुनाव के अंदर बहुत सारे रंग हैं, चुनाव के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के कैंडिडेट हैं जिनके, जो मैंने आपसे कहा कि तमाम के अनेक रंग हैं, तो उसके जो रंग की बात मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि इन प्रत्याशियों के पीछे इनकी पाल, गोत्र, इनकी जाति, इनका धर्म, ये सब कुछ देखा जा रहा है। इसके साथ साथ देखा जा रहा है पॉलिटिकल बैकग्राउंड, किनका राजनीतिक जो अतीत था वो क्या था। चल रही है बात कि कौन से परिवार से कौन से सूरमा चुनाव मैदान में है। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल, ये तीन लाल हुआ करते थे, जिन तीन लालों के लाल आज देश की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए मैदान में है। अगर आगे चलें तो फिर उसके बाद लाल तो प्रोफेसर हरद्वारी लाल भी थे, हालांकि वो राजनीति में कामयाब नहीं हुए। और जब उनके बाद में पांचवें लाल अगर कहें तो फिर मनोहर लाल हुए, जो हरियाणा में दो बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अब केंद्र सरकार के वजीर हैं। मनोहर लाल के राजनीतिक वारिस की अगर बात चलेगी तो क्योंकि मनोहर लाल अविवाहित हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, इस लिहाज से बात आ जाती है उनके परिवार की। और मनोहर लाल दो दिन चर्चा में भी रहे। मनोहर लाल के भतीजे रमित खट्टर का नाम चर्चाओं में रहा कि उन्होंने रोहतक के अंदर कांग्रेस कैंडिडेट के सामने पटका पहन लिया और बाद में वापस मनीष ग्रोवर के पास पहुंच गए रमित खट्टर। खैर, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं एक बड़े राजनीतिक घराने को लेकर, हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक परिवार को लेकर, और उस राजनीतिक परिवार के आठ वारिस, इस चुनाव मैदान में हैं। और मैं आपसे बात कर रहा हूं चौधरी देवीलाल की, और आपको बताऊंगा कि राजनीतिक वारिसों के, जो उनके आठ राजनीतिक वारिस चुनाव मैदान में हैं चौधरी देवीलाल के, उनकी राजनीतिक सेहत कैसी है, उनका चुनाव कैसा है, वो चुनाव जीतने की तरफ हैं या हारने की तरफ हैं, या उनके लिए येलो सिग्नल है कि धीरे धीरे रुक रुक कर चलते रहें। आपसे मैं चर्चा करूंगा हरियाणा की उन विधानसभा सीटों की जहां पर चौधरी देवीलाल का परिवार आमने सामने भी है, यानी कि देवीलाल जी के राजनीतिक वारिस चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से मुख्य वो भी जो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं दादा पोता आमने सामने हैं, कहीं चाचा भतीजा आमने सामने हैं, और आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं रंजीत सिंह चौटाला। चौटाला अपने साथ नाम तो कम लिखते हैं, चौधरी रंजीत सिंह लिखा करते हैं, लेकिन क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं और चौटाला गाँव उनका जो है वो पूरे देश के अंदर राजनीतिक रूप से फेमस है। हालांकि चौटाला तो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनकी संतान अजय सिंह, अभय सिंह, दुष्यंत, दिग्विजय, करण, अर्जुन, ये लिखते हैं, लेकिन क्योंकि रंजीत सिंह चौटाला भी इसलिए कहा जाता है कि वो भी चौटाला गांव से हैं। खैर, रंजीत सिंह चौटाला इस चुनाव में रानिया से फिर मैदान में हैं। 1987 में रंजीत सिंह चौटाला पहली बार MLA बने थे और 1987 के बाद उनका राजनीतिक सूखा खत्म हुआ था 2019 में, यानी कि लगभग तीन दशक के बाद में। और अब इस चुनाव में वो फिर रानिया से मैदान में हैं। 2019 में वो निर्दलीय चुनाव जीते थे और उस समय परिवार उनके, राजनीतिक लोग कहते हैं कि परिवार उनके साथ लग गया था। रंजीत सिंह चौटाला रानिया से कैंडिडेट हैं और रंजीत सिंह चौटाला के मुकाबले में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो रंजीत सिंह चौटाला के ही पोते हैं। रंजीत चौटाला के भतीजे हैं अभय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला अपने दादा को टक्कर दे रहे हैं रानिया के अंदर। रानिया के अंदर जजपा, जो जननायक जनता पार्टी है जिसका आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन है, उसने अपना कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा, यानी कि एक तरफ पोतों का समर्थन है और दूसरी तरफ पोता सामने है। अगर मैं चौधरी देवीलाल के इन दोनों वारिसों की बात करूं जो एक ही विधानसभा सीट पर आमने सामने हैं, तो फिर रंजीत सिंह चौटाला के लिए यहां पर रेड सिग्नल है। वो चुनाव अब की बार जीतने की कंडीशन में नहीं है, विरोध भी उनका हो रहा है। और अर्जुन चौटाला के लिए यहां पर अगर मैं वहां के राजनीतिक मिजाज का बताऊं, जो मेरी लोगों से बात हुई
तो फिर अर्जुन चौटाला के लिए ग्रीन सिग्नल है, हरी झंडी है, अर्जुन चौटाला की गाड़ी सराटे से दौड़ेगी। अर्जुन चौटाला का जो मुकाबला है यहाँ पर, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सर्वमित्र कंबोज। मसला के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, पत्रकारिता छोड़ करके वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हुए, रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं रंजीत सिंह चौटाला इंडिपेंडेंट और अर्जुन चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट। और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल चौधरी देवीलाल के जिस वारिस को है वो है अर्जुन चौटाला, यानी कि अर्जुन चौटाला रानिया से चुनाव जीत सकते हैं। अगली एक और विधानसभा सीट है जहाँ पर चौधरी देवीलाल के ही वारिस आमने सामने हैं और वो विधानसभा सीट है डबवाली। सिरसा लोकसभा में ही आती है, सिरसा जिले की सीट ही है डबवाली और इस सीट पर चौटाला गांव भी आता है डबवाली के अंदर ही। और डबावाली के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चाचा भतीजा आमने सामने हैं इस सीट पर, यानी कि डबवाली की सीट पर आदित्य देवीलाल, चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के बेटे आदित्य, आदित्य चुनाव मैदान में है। आदित्य देवीलाल राजनीति में चर्चाओं में तब ज़्यादा आए थे जब उन्होंने अपनी ही भाभी अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला को जिला परिषद के चुनाव में हरा दिया था। यहाँ से वो नैन तारा बन गए थे भारतीय जनता पार्टी के। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे आदित्य देवीलाल डबवाली से। इस चुनाव में उन्होंने अपनी ही जो परिवार की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल उसमें आ गए, यानी कि जिन भाई अभय सिंह चौटाला से 36 कांकड़ा था, जिनकी धर्मपत्नी को चुनाव में हराया था जिला परिषद में, इस बार उसी की छत्र छाया में चौधरी ओम चौटाला की पार्टी से कैंडिडेट हैं आदित्य देवीलाल डबवाली से। और यहां पर उनको जो चुनावी टक्कर दे रहे हैं वो हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला आदित्य देवीलाल के रिश्ते में भतीजे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं दिग्विजय चौटाला, और यानी कि इनके भतीजे हुए। और अगर यहां का मैं चुनावी मुकाबला कहूं तो यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो अमित सिहाग, वो भी चौधरी देवीलाल के कुनबे के हैं, दूर के रिश्ते में चौधरी देवीलाल के परिवार से ही आते हैं और चौधरी देवीलाल के वो भी पड़पोते होते हैं दूर के रिश्ते में। लेकिन जो चौधरी देवीलाल की जो नस्ल चल रही है, जो परिवार चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चाचा भतीजे की फाइट है आदित्य देवीलाल और उनके सामने है दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला के लिए यहाँ पर रेड लाइट है, दिग्विजय चौटाला के लिए यहाँ पर रेड लाइट है, यानी कि दिग्विजय चौटाला की गाड़ी डबवाली से चंडीगढ़ जाना बड़ा मुश्किल है, नहीं जा पाएगी। दिग्विजय चौटाला की गाड़ी को रेड लाइट मिलेगी और डबवाली गाड़ी रुक जाएगी। और जो चाचा हैं उनके आदित्य देवीलाल, उनके लिए यहाँ पर येलो सिग्नल है, यानी कि मुकाबले में है आदित्य देवीलाल और मुकाबला है अमित सिहाग से। अमित सिहाग यहाँ के आजकल भी विधायक थे, निवर्तमान विधायक। तो डबवाली में भी चौधरी देवीलाल के वंशज आमने सामने हैं और इसके अंदर एक वंशज यानी कि दिग्विजय के लिए रेड लाइट और आदित्य देवीलाल के लिए, जो उनके पोते हैं चौधरी देवीलाल के, उनके लिए येलो लाइट। अगर अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर सिरसा जिले की ही, सिरसा लोकसभा की ही एलनाबाद विधानसभा सीट। एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है इंडियन नेशनल लोकदल से, इनेलो के कर्ता धरता हैं, सुप्रीमो हैं। अभय सिंह चौटाला का मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भाजपा के अमीर चंद मेहता और यहाँ पर उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, परंपरागत विरोधी हैं, भरत सिंह बेनीवाल, वो सामने हैं। अगर मैं आपसे एलनाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर चौधरी देवीलाल के जो वंशज हैं, चौधरी देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला इनेलो के सुप्रीमो कर्ता धरता, उनके लिए यहाँ पर ग्रीन लाइट है, अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत सकते हैं, जीतने की तरफ अग्रसर हैं। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिसों की आगे बात करूं तो फिर सुनैना चौटाला, सुनैना चौटाला रवि चौटाला की धर्मपत्नी है, रवि चौटाला प्रताप सिंह चौटाला के बेटे थे और सुनैना चौटाला इस चुनाव में फतेहाबाद से चुनाव मैदान में है। फतेहाबाद में उनका जो चुनावी मुकाबला है, सुनैना चौटाला का जो मायका है वो दौलतपुर आता है और उनका मुकाबला भी बलवान दौलतपुरिया से है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लेकिन सुनैना चौटाला के लिए भी यहाँ पर रेड लाइट है, यानी कि सुनैना चौटाला की गाड़ी फतेहाबाद से चंडीगढ़ नहीं जा पाएगी। अगर अगली बात करूँ तो चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र ओम प्रकाश चौटाला के पोते, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार के अभी हाल ही तक उप मुख्यमंत्री थे, आज से 5 महीने पहले तक दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला की इस चुनाव में अगर मैं स्थिति आपको बताऊँ तो उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उचाना विधानसभा से
लगभग 48-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन यहाँ पर चौधरी देवीलाल के जो वारिस हैं, चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, जब वो पिछले दिनों में जब यानी कि 2019 के चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक सभाएं किया करते थे, तो उनकी सभाओं में नारे लगते थे आया आया देवीलाल, यानी कि चौधरी देवीलाल का अक्स माने जाने वाले दुष्यंत चौटाला, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि इनमें ताऊ का अक्स दिखता है, वो दुष्यंत चौटाला जितनी वोट से पिछला चुनाव जीत गए थे 2019 का, यानी कि 48-50 हज़ार से चुनाव जीत गए थे, इस चुनाव में उनको उसका 10वां हिस्सा भी वोट मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। राजनीतिक लोग कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक सबसे जो खराब परफॉर्मेंस होगी वो इस चुनाव में होगी, यानी कि वो इस चुनाव में उनकी जमानत तक बचना भी लोग कहते हैं मुश्किल है। हम भी जाएंगे उचाना, बताएंगे आपको क्या स्थिति है, लेकिन राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर अगली बात करूं तो फिर चौधरी देवीलाल के ही परिवार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोहते कुणाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बेटी हैं अंजू और अंजू के बेटे हैं कुणाल, कुणाल चुनाव लड़ रहे हैं टोहाना विधानसभा सीट से, और टोहाना विधानसभा भी आती है सिरसा लोकसभा के अंदर। यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो हैं देवेंद्र बबली, और यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं परमवीर सिंह। कुणाल चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का नाम लेकर के। मैंने आपको बताया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नवासे हैं, लेकिन इनकी भी गाड़ी जो है वो टोहाना से आगे बढ़ने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही, यानी कि यहाँ पर कुणाल के लिए रेड लाइट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो चौधरी देवीलाल के 8 वारिस मैंने आपको बताए जिनके लिए रेड लाइट है, उनमें रंजीत चौटाला नंबर 1 पर आते हैं, उनके लिए रेड लाइट है चौधरी देवीलाल के बेटे। उसके बाद जिनके लिए रेड लाइट है वो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते, चौधरी देवीलाल के पड़पोते, इनके लिए रेड लाइट है। सुनैना चौटाला चौधरी देवीलाल के पौत्र की वधू, उनके लिए रेड लाइट है। और चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला के नवासे यानी कि ताऊ देवीलाल के बेटे के दोहते कुणाल, इनके लिए भी रेड लाइट है। और अगर मैं ग्रीन लाइट की बात करूं तो फिर बापू बेटे दो के लिए ग्रीन लाइट है, अभय सिंह चौटाला के लिए ग्रीन लाइट है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं अभय सिंह चौटाला। और अर्जुन चौटाला के लिए भी ग्रीन लाइट है, अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे हैं और ताऊ देवीलाल के पोते हैं, यानी कि चौधरी देवीलाल के ये दो वारिस ग्रीन लाइट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो आदित्य देवीलाल येलो लाइट के साथ धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी के 5 वंशज वो रेड लाइट के साथ में हैं, उनकी गाड़ी रुकने की उम्मीद है। रंजीत सिंह चौटाला की गाड़ी चलने की उम्मीद कम है, दिग्विजय दुष्यंत की उम्मीद कम है, सुनैना और कुणाल की गाड़ी चलने की उम्मीद कम है। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।